आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अपने के पास नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने हैं, कितने रियल सॉल्यूशन है। यहाँ पर चलिए सबसे पहले अपने के पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स मॉड एक्स प्लस 5 के बराबर, और यह आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 2 मॉड एक्स प्लस 7 के बराबर, और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। हाँ या ना, ये अपने के पास क्या दे रखा, क्वेश्चंस दे रखा है, इसके अपने के पास नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने। यहाँ पे अपने के पास क्या कीजिए, ये जो अपने के पास मॉड है यहाँ पर अपने के पास क्या करा है, अपना डेफिनेशन चेंज करा, वो सब बताओ। यहाँ से अगर मॉड के बारे में हम बात करें तो एक तो अपने के पास 5 है और एक अपने के पास 7 है, तो एक अपने के पास माइनस 7 और एक अपने के पास किस बराबर 5 के बराबर, एक माइनस 7 और एक अपने के पास माइनस 5 के बराबर। यहाँ पर अपना डेफिनेशन ये क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ से अपने के पास क्या बताओ, तो माइनस 7 इससे अपने के पास, तो अगर माइनस 5 से हम क्या लेते, ज्यादा लेते, तो ये पॉजिटिव और ये भी अपने के पास क्या जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी ये आ गया अपने के पास पॉजिटिव, ये भी अपने के पास, अच्छा ये भी पॉजिटिव, माइनस 7 और माइनस 5 के बीच लेते हैं, तो माइनस 6 जैसे लेते तो ये अपने के पास क्या जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और ये अपने के पास क्या जाएंगे, पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये दोनों अपने के पास क्या जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ या ना, ठीक है। तो अपने के पास तीन केस बनेंगे, केस वन, सी वन मतलब अपने के पास केस वन। केस वन में अपने के पास क्या है, अगर अपने के पास एक्स एक्स अपने के पास क्या हो, एक्स अपने के पास ग्रेटर देन इक्वल टू अपने के पास क्या कर लो, माइनस 7 ले लो। एक्स अपने के पास क्या हो, माइनस 7 से ज्यादा, जैसे एक्स माइनस 7 से ज्यादा अपने के पास लेते हैं, माइनस 7 से ज्यादा नहीं भी, माइनस 7 से कम, लेस देन इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। जब एक्स माइनस 7 से हम कम लेते हैं तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव के साथ, तो माइनस टाइम्स एक्स इंटू एक्स प्लस 5, और यह आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 2 इंटू एक्स प्लस 7, और यह आ गया माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया किस बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो यह आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 5x के बराबर, और यह आ गया किस बराबर, माइनस टाइम्स आ गया 2x के बराबर, और यह आ गया माइनस टाइम्स 14 के बराबर, और यह आ गया माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से सॉल्व करो तो यह आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 5 2 7 7x के बराबर, और माइनस टाइम 14 2 16 यह आ गया अपने के बराबर 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने के पास माइनस कॉमन ले लो, यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम 7x, और ये किस बराबर जाएंगे, तो यह आ गया अपने के पास नॉट 7 बल्कि प्लस, और प्लस टाइम 16 ये किस बराबर जाएंगे, इक्वल टू 0 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने के पास क्या गया, एक क्वाड्रेटिक आ गया, जो कि अगर एक्स हम माइनस 7 से कम लेते हैं, यहाँ से इनका फैक्टर करो, फैक्टर पॉसिबल है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर अपने पास इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, तो ये किस बराबर जाएंगे 49 और माइनस टाइम 4 इंटू 16 के बराबर, यानी अपने पास डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो यहाँ से अपने पास एक्स के कोई भी सोल्यूशन नहीं आएंगे, नहीं एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, यानी यहाँ से अपने पास एक्स के कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो अब अपने पास क्या करो, एक्स अपने पास कहाँ से कहाँ तक ले लो, तो केस टू, केस टू अपने पास क्या हो सकता है, तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, इसको कॉपी कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो, ठीक है। केस टू अपने के पास एक्स क्या हो, एक्स अपने पास लेस देन इक्वल टू माइनस 5 हो और ग्रेटर देन माइनस 7 हो, क्या हो, ग्रेटर देन माइनस 7, एक्स अपने पास माइनस 7 और माइनस 5 के बीच हो, माइनस 7 और माइनस 5 के बीच हो, तो ये आ गया अपने के पास फर्स्ट वाला नेगेटिव और दूसरे वाला अपने पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, बताओ। तो यहाँ से आ गया अपने पास के बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 5 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 इंटू एक्स प्लस 7 के बराबर, क्योंकि माइनस 7 और माइनस 5 के बीच है, माइनस 7 से ज्यादा और माइनस 5 से कम के बीच में अपने पास ये क्या देगा, नेगेटिव देगा, देख लो अपने के पास, ठीक है। और ये अपने पास क्या दे देगा, पॉजिटिव देगा, सही तो लिखे ना, ये आ गया अपने के पास अभी कौन सा, माइनस 7, ऊपर वाला अपने पास ये वाला नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव, देख लो, ठीक है, ये नेगेटिव दे देगा और ये पॉजिटिव, तो यह किसके बराबर जाएंगे, और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यह आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, नॉट प्लस बल्कि माइनस टाइम्स 5x प्लस 2x, और यह किसके बराबर जाएंगे, प्लस टाइम्स 14 और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3x के बराबर, और प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास 12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स, बताओ माइनस कॉमन लेकर के हम इधर डिवाइड कर लेते, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स 12 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। अब अपने पास कुछ कर नहीं सकते, सीधे धारा चार्ज फॉर्मूला लगेगा और खुश रहिए, सीधे धारा चार्ज फॉर्मूला किस बराबर आ जाएंगे, तो एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, माइनस टाइम्स पी यानी माइनस टाइम्स 3 और प्लस माइनस डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 9 और प्लस टाइम्स 12 चौका 48 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर आ जाएंगे, 2 के बराबर। यहाँ से एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो यह आ गया माइनस टाइम्स 3 प्लस माइनस, यह आ गया अपने पास 9 8 17 स्क्वायर रूट ऑफ अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, 57 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर, ये हो जाएंगे 9 8 17 और यह आ गया 5 4 1 5 के बराबर, तो ये आ गया 57 के बराबर।
अब यहाँ से एक्स के अपने पास कितने वैल्यू आ गए, तो एक्स के दो वैल्यू आ जाएंगे, एक तो माइनस थ्री और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57 और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा 2 के बराबर, और कॉमा माइनस थ्री और माइनस टाइम्स अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 57 और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा 2 के बराबर। यहाँ से 57 अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेशन में अपने पास काम करो तो 57 सात सती 49 अठी अठी 64, तो अपने के पास 7 के आसपास होगा। 7.5 ले लो, क्या ले लो 7.5, तो आ गया अपने के पास 7.5, तो ये आ गया माइनस थ्री और माइनस 7.5, माइनस थ्री यहाँ से अपने के पास यहाँ पर जगह ही नहीं, तो अगला पेज पे चलो। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएंगे माइनस टाइम्स थ्री और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 57 और होल अपॉन में 2 के बराबर, और x इक्वल टू कितना आ जाएंगे माइनस टाइम्स थ्री और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 57 और होल अपॉन में 2 के बराबर। ठीक है, आपको अप्रॉक्सीमेशन में काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास तो जोगार है तो हम जोगार से काम चला लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास 57, इसका स्क्वायर रूट तो 7.5 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताओ 7.5 के आसपास, तो x इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स थ्री और प्लस टाइम्स 7.5, ठीक है, होल अपॉन में 2 और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस टाइम्स थ्री और माइनस 7.5 के बराबर और होल अपॉन में 2। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएंगे तो यहाँ से अपने के पास 7 में से 3 जाएगा 4, तो 4.5 के और होल अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे 2 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएंगे तो 7 3 10 10.5 के बराबर और होल अपॉन में अपने के पास 2 के बराबर। यहाँ से अपने को सॉल्व करो तो यह अपने के पास किस बराबर, तो 2 2 4 और यह अपने के पास 2 2 4 और यह अपने के पास 2 3 4 2 5 के आसपास x इक्वल टू इसके बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से x इक्वल टू बताओ, x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो माइनस टेंस 5.25 के आसपास, हाँ याना। तो यहाँ से अपने के पास x का दो वैल्यू आ गया, एक x का वैल्यू अपने पास ये आया और एक x का वैल्यू अपने पास ये आया 2.25। क्या ये इस रेंज में हो रहा है, तो 2.25 नेगेटिव, ये तो अपने पास पॉजिटिव हो गया, दिस वन इज द रिजेक्ट, ये रिजेक्ट हो गया, ये अपने पास क्या हो जाएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स अपने पास क्या जाएंगे, यहाँ से एक रूट्स तो अपने पास इस सेक्शन से आ जाएंगे। ठीक है, अबे तुम इधर हो जाओ, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते जब हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये आ गया अपने के पास इधर कर लो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक्स का दो वैल्यू आ गया, अब अपने पास एक्स क्या हो सकता है, तो एक्स आ गया अपने पास ग्रेटर देन माइनस फाइव के बराबर, एक्स क्या हो माइनस फाइव से ज़्यादा हो, जैसे ही माइनस फाइव से ज़्यादा हो दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव के बराबर प्लस एम्स टू इंटू एक्स प्लस सेवन के बराबर और माइनस टाइम्स टू इक्वल टू जीरो के बराबर, यही है ना, माइनस टाइम्स टू इक्वल टू जीरो के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स फाइव एक्स प्लस टाइम्स ये टू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स 14 और माइनस टाइम्स टू इक्वल टू जीरो के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स सेवन एक्स और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 12 के बराबर इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर, यानी एक्स माइनस थ्री आ जाएंगे और ये किस आ जाएंगे और एक्स माइनस फोर इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर, नॉट फोर बल्कि प्लस। ठीक है, तो एक्स माइनस अपने पास थ्री, यहाँ से एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस थ्री के बराबर और एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस फोर के बराबर। अब देखो माइनस थ्री भी माइनस फाइव से ज्यादा और माइनस फोर भी माइनस फाइव से ज्यादा है, तो यहाँ से अपने पास दोनों सोल्यूशन आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू थ्री भी एक्स इक्वल टू माइनस फोर भी, तो ये दोनों अपने पास सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 2 3, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे तो 3 के बराबर, हाँ या ना। तो देख रहे हैं अपने पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, मजदूरी वाला काम करना ही पड़ेगा, जैसे ही मॉड आएगा और नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो अपने पास इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ये थे अपने पास जेई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और इसी साल आया हुआ क्वेश्चन से देख लो, तो अपने पास एक केस दो केस और तीन केस आपको बनाना ही पड़ेगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।